नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कराकल के बारे में, जो कि एक बिल्ली होती है जो जंगली इलाकों में पाई जाती है तथा इसे हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में शामिल किया गया है। एवं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट के द्वारा रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज चलाया जाता है, जिसमें अब 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज शामिल हो गई है करैकल को मिला के। तो आइए इसका कैरेक्टर देखते हैं, ये कैसा होता है। तो ये तो एक जंगली इलाकों में पाई जाने बिल्ली वाली बिल्ली होती है तथा इसका ये साइंटिफिक नेम है करैकल करैकल, और ये एक रेयर स्पीसीज की कैटेगरी में शामिल है तथा ये एक स्लेंडर मतलब होती है जिस बहुत थीन होना मतलब जो बहुत पतली होती है ये, और फिर ये मीडियम साइज की होती है, ना तो ज्यादा बड़ी होगी ना बड़ी होगी, छोटी होगी। फिर इसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, इसलिए बहुत शिकार करने में ये इसके बहुत उपयोगी होती है। फिर इसके जो ईयर है वो टफ डियर होते हैं, टफ डियर मतलब कि इसमें इसे ठंड से बचाने के लिए या फिर किसी अन्य प्रकार के से बचाने के लिए इसमें ये रेशे रेशे या फिर पंख की तरह बाल बालों से बना हुआ प्रोटेक्शन होता है जिसके कानों में होते हैं। फिर इसके अलावा ये एक नॉकचर्नल है, नॉकचर्नल स्पीसीज मतलब जो कि रात के टाइम शिकार करते हैं, और रात को ही इनका जो भोजन का टाइम होता है या फिर रात को ये अपने शिकार में और अपने जो अपने घर है वहां से वे निकलते हैं। फिर इसके अलावा इल्यूसिव है मतलब बहुत ही इन्हें खोजना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ये नॉकचर्नल होती है, उसके अलावा बहुत ज्यादा छुपी हुई रहती है ये, और इसे खोजना भी बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए बोला गया कि डिफिकल्ट स्पॉट। फिर इसका हैबिटाट कहाँ कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, भारत में ये मध्य प्रदेश गुजरात एवं राजस्थान में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में इसे लोकली बोला जाता है शियागोश या फिर सियाहगोश, जबकि गुजरात में इसे बोला जाता है होर्नोथ्रो। और जो ब्लैक बक रहते हैं, ब्लैक बक डियर काले हिरण, तो उसका ये शिकार करने के लिए गुजरात में जानी जाती है, और राजस्थान में इसे जंगली बिलाओ बोला जाता है या फिर जंगली बिल्ली। बिलाओ मतलब राजस्थान के लोकल भाषा में बिल्ली को बिलाओ बोला जाता है। फिर भारत के अलावा ये पाई जाती है अन्य द्वीपों महाद्वीपों में, जो कि है अफ्रीका, फिर मिडिल ईस्ट जो कि एशिया का ही एक पार्ट है, फिर इसके अलावा सेंट्रल मध्य और दक्षिण एशिया में। तो कि अफ्रीका में इसकी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन एशिया में इनकी तादाद बहुत जल्दी घट रही है। तो इनकी जो इन्हें बहुत तरीके का खतरा है, तो उनमें से कुछ खतरे हैं कि इसका लोग शिकार करते हैं इसके मांस के लिए तथा इसके इसकी फ्लैश के लिए, जो स्किन रहती है उससे लोग कुछ अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर इसके अलावा एक तो है अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ इलाके इनके वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा है, तो इससे जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इनका नेचुरल हैबिटाट डिस्टर्ब हो रहा है, ये एक दूसरा कारण है। फिर जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसमें ये IUCN इंडिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में, रेड लिस्ट में ये लिस्ट कंसर्न की सूची में शामिल होता है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 1 में गिना जाता है, इसके अलावा साइट्स में यह अपेंडिक्स 1 में आता है। अब हमने देखा था नॉकचर्नल एनिमल, तो काराकल एक तरीके का नॉकचर्नल एनिमल था, तो नॉकचर्नल एनिमल वो होते कि जो कि रात में आना प्रीफर करते हैं, हालांकि दिन में हम इन्हें देख सकते हैं लेकिन फिर भी ये दिन में उतने एक्टिव नहीं होते, दिन में ये शिकार नहीं करते और ये पूरा दिन या तो रेस्ट करते या तो सोते हैं। तो कुछ
नॉक्टर्नल स्पीशीज के उदाहरण है कि ये चमगादड़। आपने गुफाओं में देखा होगा तो दिन के टाइम ये गुफाओं में वो उसके जो ऊपर सीलिंग्स रहती है वे उसमें चिपके हुए रहते हैं, तो वो दिन में पूरा वहाँ आराम कर रहे होते हैं। लेकिन ये रात में आपने देखा होगा चमगादड़ इधर से उधर घूमते रहते हैं। फिर उसके अलावा ये फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी एक प्रकार की बैट और स्क्विरल का एक के बीच की एक स्पीसीज है। फिर इसके अलावा एक हाइना, एक तरीके के कैट और डॉग दोनों को से मिल के एक प्रकार की हाइब्रिड स्पीसीज है। फिर ये जो ऑयल आउल रहते हैं उल्लू, इसको हालांकि आपने दिन में देखा होगा लेकिन ये दिन में सिर्फ एक ही जगह पे खड़े रहता है या फिर एक ही जगह पे वो रहता है, वो रेस्ट कर रहा होता है उस वक्त। लेकिन रात को ये फिर शिकार भी करता है और वो इधर से उधर मूवमेंट करता है। फिर उसके अलावा कुछ चूहे की प्रजातियां रहती है जो सिर्फ रात को निकलती होगी, आपने घर में भी ये देखा होगा। फिर इसके अलावा ये रैकून, ये भी एक स्पीसीज है। फिर ये लाइनेक्स जो कि एक फॉक्स लोमड़ी की एक प्रजाति है। उसके अलावा भी और भी अलग अलग प्रजातियां हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।